मैं राशुका और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंसाफ की बात। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दिल्ली के सातों सीट पर मतदान होना है और मतदान जारी है, और इस बीच हमारी टीम मौजूद है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, और हम जनता से जानेंगे मतदान को लेकर कितने एक्साइटेड हैं या फिर किन मुद्दों पे लेकर अपना मतदान दे रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सर, आपको मैं नाम जानना चाहूँगी। नकुल गुप्ता जी। नकुल जी, ये बताएं, मतदान करना कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मतदान दिया? इंडिया, कंट्री, बेटरमेंट, फ्यूचर फॉर यंगस्टर्स, महिलाज, फॉर एवरीबडी ऑन द इन आवर कंट्री। देश की जो प्रगति है वो एक तरीके से चले, बढ़िया से चले, उसके लिए दिया है। और डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी, फॉर दैट और किसके लिए दिया है, हर चीज़। हमारा दिल्ली शहर दो चीज़ों के, दिल वालों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस मतदान को लेकर? ये चल रहा है कि अब इस मतदान के बाद हमारी जो शहर है, हमारी जो दिल्ली है, बहुत सुंदर हो जाए और बढ़िया से चले, जैसे कैपिटल सिटी चलनी चाहिए, एंड इट शुड बी कंपेरेबल टू एनी अदर कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। सेफ्टी, डेवलपमेंट, ओवरऑल बेटर लिविंग क्वालिटी। दिल्ली के दिलवालों के दिल में क्या चल रहा है इस मतदान को लेकर? दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। जो पहले हुआ करती थी दिल्ली, इतनी सुंदर, साफ, ग्रीन, नाउ इट इज अ मेस, टोटल मेस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किस तरह देखूँ मैं, मेरे वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी कंट्री सेफ कितनी है, मेरी कंट्री की क्या प्रोग्रेस हो रही है, इकॉनमी कितनी आगे जा रही है, और उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मेरी कंट्री का, मेरे भारत का बाहर के मुल्कों में किस तरह का नाम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे एज अ वोटर आई विल लुक फॉर। कितना ज़रूरी है मतदान लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जिससे आप अपना वोट, अपना एक एक कीमती वोट ऐसे आप जो है मतलब यू कैन चेंज, यू कैन ब्रिंग द चेंज। आप सरकार में या जो भी आप, जो भी आपके मुद्दे हैं, आप उसमें चेंज ला सकते हैं, और या आपको जो सरकार पसंद है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपके वोट की बहुत कीमत है। डेवलपमेंट पे वोट दिया है और आरक्षण पे वोट दिया है और मंदिर पे वोट दिया है। मैंने अपने संविधान को बचाने के लिए वोट दिया है। बिल्कुल, आप बताएं किन मुद्दे पे वोट दिया है? मोदी, मोदी को। एक्चुअली हम लोगों को अपने इसमें जो हमारा न्यायपालिका है उसको अच्छे से। कितना ज़रूरी हो जाता है मतदान करना आम लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ये ही मौका होता है जिसमें हम अपनी अपनी आशाओं को जो हमारा कैंडिडेट है उसके थ्रू पूरा करवा सकते हैं। मुद्दों और सबसे बड़ी बात है जो हमारा देश का बागडोर किसके हाथ में देना है, नहीं देना है, जो हमारा विदेशों में जो है सो हमारा सबसे हमारा देश का नाम ऊँचा हो, और दूसरी बात इकोनॉमी हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन ले जा सकता है, इन सारी मुद्दे पे जो है हम लोग। मैं तो बेरोजगारी के मुद्दे पे मैदान में पहुँचा हूँ, जो सरकार बेरोजगारों को रोजगार दिलाए। मुद्दे क्या बताऊँ इसमें, किन मुद्दों को लेकर? देश के विकास को, देश का विकास तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, आपने खुद ही नोटिस किया होगा इन सालों में जब बीजेपी आई है तो देश का विकास तो ऑब्वियसली हो रहा है। तो इन मुद्दों को देखते हुए बिल्कुल वोट दिया बीजेपी को। मैं जानना चाहती हूँ कितना ज़रूरी हो जाता है मतदान करना? बहुत ज़रूरी है जी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है मतदान करना। तो इंडिया एक ऐसा देश है, मैं बोलूँगी, जिसको राइट टू वोट तब मिला जब बहुत सारे विकसित इकोनॉमीज लाइक इंग्लैंड, इफ आई कोट ब्रिटिशर्स, दे डिडंट हैड राइट टू वोट फॉर ऑल द सिटीजंस, एंड वी एज अ कंट्री हैड अ राइट टू वोट फॉर ऑल द सिटीजंस। सो इट्स द बिगेस्ट राइट आई से दैट इंडियंस हैव। मतदान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका एक एकमात्र हक है जिससे आप अपनी जो आप डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं उसमें आप चुनने का आपको एक हक मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं उसका एक्सरसाइज करेंगे? मतलब अगर आपको मिल रहा है हक कि आप अपने ही चयन करें उन लोगों का जो आपके लिए वेलफेयर के लिए काम करेंगे 5 साल के लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी मतलब इसमें ऐसा लगेगा कि वोट देना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वोट तो इम्पोर्टेंट है, आप दीजिए, आप चुनेंगे अगर सही लोगों को तो सही लोग आएंगे, वही सही लोग आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे या यू नो लॉज फ्रेम करेंगे, उन्हीं पर देश चलता है, उसी से देश आगे बढ़ता है, बाकी तो कहने की बात है जीडीपी एंड ऑल। सो डू एक्सरसाइज योर वोट प्लीज़। मैं मोदी जी को वोट दे के आई हूँ। किन मुद्दों?
इसलिए देके आई हूँ क्योंकि वो लेडीज़ को बहुत लाइक करते हैं और इसलिए कि आगे भी मतलब जो है लेडीज़ का भला करें और देश को उनको जैसे रेप छोटी बच्चियों के होते हैं जहाँ औरतों को कोई भी तकलीफ होती है और सीनियर सिटीजन जो लेडीज़ हैं रिटायर हो चुकी हैं उनसे इतना टैक्स ना लें चाहे जो भी हो मतलब उनको जो है जिए और जीने दें और लोगों के साथ ऐसा बैर भेब ना करें कि जिससे कि दूसरों को तकलीफ़ हो तो इसलिए उनको अपना जो है अपने किस्मत पे डिपेंड रहना चाहिए बाकों की किस्मत से किसी को जेल में डालने से जो कुछ करने से इस तरह कुछ नहीं होता है तो उनको अपना जो है अपने पे विश्वास रखना चाहिए अगर आज हम उन्हें वोट दे रहे हैं तो वो खुद ही समझ सकते हैं कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए हर औरत उनको लाइक करती है सबसे बड़ा देश के विकास के लिए बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल और मतदान करना क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है नहीं ज़रूरी है ये हमारा अपना हक है कि हमने किस नुमाइंदे को यहाँ पर चुन के लेके आना है और आगे देश के भविष्य के लिए हमें किस नुमाइंदे से क्या काम लेना है तो हमें जो अच्छा लगा हमने उसके लिए करा मतदान हम अपने पार्टी को देख के और दूसरी चीज़ ये कि जो देश में विकास हो रहा है उसको लेके और पूरे अपने जितने भी हमारे अपार्टमेंट के लोग हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं माताएं हैं बहनें हैं सबको एकत्रित करके सबको मतलब वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक जाके वोट करें और राष्ट्र हित में जो उनका वो दिल्ली के दिलवालों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है मतदान बीजेपी क्योंकि सभी लोग ये देख रहे हैं कि किस स्तर पर विकास हो रहा है चारों तरफ सड़कें बन गई सड़कों का एक तरह से कह लो कि मायाजाल बन गया मेरा काम ऐसा होता है कि मैं पूरे इंडिया में भ्रमण करता रहता हूं मैं बाय रोड ही देखा मैं मतलब क्या विकास हुआ है किसी को देखना है तो देखे बेसिकली हमें देखना है कि इंडिया के जो बेटरमेंट के लिए कौन सा जो पार्टी है वो काम करता है बेसिकली मैं देश के लिए काम वो देश का जो उन्नति प्रगति के लिए हम लोग वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने वोट दिया है आज हमने बीजेपी को दिया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है देश की तरक्की पे जो चल रहे हैं जो मोदी जी करवा रहे हैं दिल्ली के दिलवालों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है गडकरी जी करा रहे हैं रोड इतनी बढ़िया बनवाई उन्होंने देखिए आप जाके छुट्टम साटम 3 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं 3 घंटे में मुंबई मैडम इसमें मुद्दा ऐसा कुछ भी नहीं है वोट तो वोट होती है इसमें मुद्दा क्या होता है कुछ नहीं है बस जी हमने वोट दे दिया है कैसे महसूस करिए वोट देने के बाद और देश की तरक्की हो दिल्ली की सफाई हो बच्चों को जॉब मिले और जो बेरोजगार हैं उनको रोजी मिले और थोड़ी महंगाई कम हो जाए आपने वोट दे दिया जी मैंने बिल्कुल वोट दे दिया है और कितनी खुशी और कितनी एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं वोट देकर दिल्ली के दिल वालों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है और बहुत मुश्किल से हम लोग वोट देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नेता ही जीते जिनको हमने वोट दिया है देश के लिए हम लोग बहुत चाहते हैं कि बहुत सारा विकास हो उसमें बहुत सारी सुधार की अभी भी ज़रूरत है देश में हम चाहते हैं कि वो सब हो जाए मैं इस मुद्दे में वोट दे रही हूँ कि हमारा देश जो 70 साल पहले जैसे थे उसी हिसाब से अभी जो सिचुएशन है जनरल है बहुत ही उन्नति हुई है और ऑब्वियसली मोदी सरकार ही मतलब आना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेरोज़गारी है और वादा करते तो निभाता नहीं है और बहुत सारे वगैरह वगैरह बोलते हैं लेकिन उसके हिसाब से देखें तो बहुत कुछ किया है 2014 से लेके अभी तक मोदी जी ने बहुत बहुत कुछ किया है और हम आगे चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाए बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे कौन से मुद्दे बताएं बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली के दिलवालों के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ अच्छा हो जो भी आए बहुत अच्छा करे दिल्ली के लिए बिल्कुल आपने सुना किस प्रकार दिल्ली के दिलवालों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वोट को लेकर तमाम अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और बाकी तमाम इस तरह के अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहे कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं राशिका इंसाफ के बाद दिल्ली